जीजू को कितना ज्यादा डांटा ना भैया को, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भैया ने ऐसा क्या कर दिया भाभी को। तो हमने भी मत बोल, नाग जीजू ने मना किया है, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें, पहले तो ऐसे नहीं थे ना। हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा वक्त दे रहा हूँ उसे, उसके बाद बात करूंगा। हाँ पर पता तो चले कि बात क्या है, मैं बताती हूँ क्या बात है। स्वर्णा किसे फोन कर रही हो, हुआ क्या है? हेलो, क्यों बेइज्जत किया आपके नक्श ने हमारे बेटे को? नक्शर किट्टू कब मिले? अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? किस हक से नक्श ने हमारे बेटे को इतनी खरी खोटी सुनाई? यही सलीका है, आप ऐसे ही बात करते हैं लोगों से? क्या बात है, घर का दामाद नहीं रहा तो आप उसकी बेइज्जती करेंगे? ये मत भूलिए कि फोन पे चिल्लाने से और दोष लगाने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता कि हुआ क्या है। पर नहीं, तुम्हें तो इल्जाम लगाने की आदत है ना? बात चाहे कुछ भी हो, आपके नक्श ने हमारे बेटे की बेइज्जती की क्यों? एक बार कार्तिक से भी पूछ लेती। हमने कहा था ना कि शगुन किसी स्टाफ या ड्राइवर के साथ भिजवाना, फिर क्यों आया था वो? पर मैंने तो खुद ड्राइवर के हाथ भिजवाया था, कार्तिक कब और कैसे वहाँ पे? और ये भी पूछ लेना उससे कि नक्श ने ऐसा क्या कहा उससे। वैसे तुम्हारे किसी भी सवालों का जवाब देने के लिए हम जिम्मेदार है नहीं, इसलिए हमें परेशान करना बंद करो। आप मेरे बेटे को परेशान करना बंद कीजिए, पीछे पड़ गए आप सब उसके। तुम होश में तो हो, क्या बोल रही हो? पहले होश में आओ फिर हमसे बात करो, वरना यही बेहतर होगा कि बात ही मत करो। क्योंकि ऐसे इंसान से बात करके उसे समझाने से कोई फायदा नहीं, जिसने ना समझने की कसम ही खा रखी हो। रहती हूँ शर्त तारों से लगाती रहती हूँ, आज कल मन वही नहीं लगता, रोज खुद को मैं आजमाती हूँ। जितना मैं कार्तिक को जानता हूँ, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा जिसके लिए नक्श को इतनी बुरी तरह रिएक्ट करने की जरूरत पड़ी हो। गलतफहमी भी तो हो सकती है। अगर कोई भाई अपनी बहन के लिए या अपनी फैमिली के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होगा तो उससे गलत ना समझा जाए। नक्श ने कार्तिक को सिर्फ समझाया है और वो भी बहुत ही डिसेंट तरीके से। अगर कार्तिक फिर भी नहीं समझा तो देख रहे मनीष जी, अब ये धमकी दे रहे हमें। सही बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो तुम? आप हमसे कुछ भी कहते रहे और हम चुप रहे, आपका बेटा हमारी बेटी की बेइज्जती करे और आप हमें ऐसे धमकी देते रहे। आप हमारी बेटी का घर उजाड़े, उसका तलाक करवाए, उसके रहते अपने बेटे की दूसरी शादी की तैयारियां करे, पर तुम सही हो और हम गलत है ना? अब से एक दूसरे से दूर दूर रहना, यही ठीक होगा हम सबके लिए। बस कीजिए, सुबह से रात हो जाएगी और इस बहस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इसे यही खत्म कीजिए मेहरबानी करके। राजश्री जी ये तो अब शुरू हो गई, आज जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। बस होना तो वो भी नहीं चाहिए था जो आज से पहले हुआ। हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फोन आपकी तरफ से आया सुहासनी जी, हमारी तरफ से नहीं। खुद को जो सुनाना था सुना लिया और अब इसलिए कह रहा था कि दोनों फैमिलीज में दूरी जरूरी है, वरना ये सब बंद नहीं होगा।
देख लिया आप लोगों ने कितना जहर भरा है उनके मन में हमारे लिए। आज से पहले कभी इस तरह से बात नहीं की उन्होंने, आज तो हद ही हो गई। मेहरा वो नहीं तो कम से कम तू ही समझने की कोशिश कर, कब तक चलेगा ये और कब तक बेइज्जत होते रहेंगे हम लोग। कार्तिक, कार्तिक जी पापा। क्यों गए थे तुम सिंघानिया हाउस? डिवोर्स लेने का फैसला तेरा था ना नहरा, लेकिन उस फैसले पर अगर तू ही नहीं टिकेगी तो क्या फायदा इतना कुछ सहने का। आज तो चले गए मगर आज के बाद मत जाना, और अगर जाओ तो इस घर में वापस मत आना। चाहते क्या हो, हमारी इज्जत की कोई परवाह है या नहीं तुम्हें? दूर रहो नहरा से और उस घर से भी दूर रहो, और अगर नहीं रह सकते तो हमसे कहो, हम दूर चले जाएंगे तुमसे। क्या फायदा इतनी तकलीफों से गुजरने का, जिस हक के लिए लड़ी है ना वो ले। एक तेरा भाई हूं इसलिए तेरी चिंता कर रहा हूं, अब उसे दोबारा मत मिलना नहरा। या हवा है तू, मुझ में रवा है तू। या हवा है तू, मुझ में रवा है तू। या हवा साथ ऐसा, जब साथ थे तब अलग होना था, और जब अलग है तो साथ चाहिए। ये चाहते क्या है हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा। या हवा है तू, कहाँ कहाँ है तू। या हवा ये क्या हो रहा है? खाने लाई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना, बहुत दिनों से खाए भी नहीं, खाओगे ना? कार्तिक एक बार बात तो करो, कुछ तो कहो मुझसे, सिर्फ एक बार बात कर लो प्लीज, मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो I'm sorry, मैं ऐसा नहीं कि मैं आशी वाली बात बताने वाली नहीं थी, मैं बता दी तुम्हें, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार डिवोर्स के चक्कर से बाहर निकल जाओ, उसके बाद बताती, ताकि मैं ठंडे दिमाग से सोच सकूं। बताना तो था ही तुम्हें, लेकिन बेटा सारी दुनिया को पता था मां, बस एक मुझे ही नहीं। आपने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला लिया और मुझे बताया भी, आपने भी बात छुपाई। सॉरी मैम, ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होती मुझे, गुस्सा आता है और गुस्से में हमेशा किसी ना किसी को हर्ट कर देता हूं मैं, इसलिए प्लीज जाने दीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।